फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ नदी का बॉल फिश है। बॉल फिश बनाने के लिए मैं सारे मसाला फिश में दे दूँगी। ये देखिए, बॉल फिश बनाने के लिए मैंने नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर दे दिए है। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, दालचीनी, लौंग, इलायची सारे मसाला ग्राइंड कर लिए हैं। अभी मैं सारे अच्छी तरह से मिक्स करके आधा घंटा ऐसे ही रख दूँगी। यहाँ पे मैंने सारा मसाला दे दिए है। अभी थोड़ी सरसों का तेल दूँगी। तेल से अच्छी तरह से मिक्स करके आधा घंटा फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद मैं करी बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेश फिश है नदी का। ये फिश खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए फिश को मैं अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लिए हैं। अभी मैं आधा घंटा के लिए ऐसे रख दूंगी। उसके बाद मैं करी बनाऊंगी। ये देखिए आधा घंटा हो गई है। अभी मैं करी बनाऊंगी। ये देखिए करी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अभी मैं तेल और ज़ीरा दे दूँगी। ये देखिए तेल मैंने दे दी है। अभी मैं ज़ीरा दे दूँगी। ज़ीरा के साथ साथ प्याज भी दे दूँगी। ये देखिए प्याज हमारी लाल हो गई है। अभी मैं फिश दे दूंगी। मसाले के साथ अच्छी तरह से 5 मिनट ऐसे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए 5 मिनट में अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लिए हैं। अभी मैं पानी दे दूँगी। ये देखिए पानी मैंने दे दिए हैं। अभी ऐसे ही रख दूँगी। जब पानी उबाल आ जाएगी तब मैं ढक्कन देके और 10-15 मिनट पकाऊँगी। ये देखिए पानी हमारी उबाल आ गई है। अभी मैं ढक्कन देके 10-15 मिनट लो फ्लेम में पकाऊंगी। ये देखिए गाइस, 2-3 बैंगन, 1 आलू और 1 बीन्स, जो लेसरा जो भी कहते हैं ये लिए है। अभी मैं फ़िश के साथ एक करी बनाऊंगी। ये देखिए गाइस, फ़िश करी मैं एक बोल में निकाल ली है। देखिए कितनी अच्छी कलर रही है। अभी मैं ये करी बनाऊँगी फ़िश के साथ। ये देखिए गाइस, ये करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारे मसाला दे दिए हैं। नमक, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। अभी मैं ये कढ़ाई चढ़ा दूँगी फिर से। देखिए गाइस, करी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई फिर से धो के अच्छी तरह से साफ कर लिए है। अभी मैं तेल दे दिए है। अभी ज़ीरा दे दूँगी। अभी मैं ये सब दे दूँगी सारे। ये देखिए ज़ीरा हमारी फ्राई हो गई है। अभी मैं सारे जो सब्ज़ी है ये दे दूँगी। मसाला के साथ मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी मैं सारे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अभी मैं ढक्कन देके 5 मिनट ऐसे ही रख दूँगी। उसके बाद मैं पानी दे दूँगी। ये
ये देखिए गाइस, पानी मैंने दे दिए है। अभी मैं ऐसे ही रख दूँगी, जब पानी उबाल आ जाएगी तब ढक्कन देख के 5 मिनट पकाऊँगी, उसके बाद मैं फिश डाल दूँगी। ये गाइस, पानी हमारी उबाल आ गई है। अभी मैं ढक्कन देख के 2-3 मिनट या 5 मिनट ऐसे ही पकाऊँगी, उसके बाद मैं फिश दे दूँगी। सब्ज़ी हमारी थोड़ी नरम नरम हो गई है, अभी मैं फिश दे दूँगी। ये देखिए गाइस, आधे से ज़्यादा फिश मैंने यहाँ पे दे दिए है। देखिए गाइस, फिश करी हमारी रेडी हो गई है। अभी मैं एक बोल में निकाल लूँगी और गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये देखिए गाइस, हमारी फ़िश करी रेडी हो गई है। कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर आई है, लेकिन ये थोड़ा अलग दिख रही है। कोई बात नहीं, आप लोग घर में ऐसे ट्राई करें। ये फ़िश खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही हेल्दी फ़िश है। आप लोग भी घर में ऐसे ट्राई करें और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।